नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष नए जेडीयू में चुन लिए गए हैं उमेश कुशवाहा। उसके बाद से सांसद ललन सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए उन्हें बधाई दी, तो वहीं तेजस्वी यादव पर उन्होंने तंज भी कसा। जिस तरीके से कोरोना की महामारी के बीच बिहार ने काम किया है, उस वक्त तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार को लगातार सवाल उठाते थे कि आखिर कोरोना जैसी महामारी में सरकार क्यों नहीं बेहतर काम कर रही है, जिसको लेकर के ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को वीर नेता बोलते हुए तंज कसा है। साथ में 10 लाख रोजगार देने वाली बात तेजस्वी यादव की जो थी, उसका पलटवार करते हुए ललन सिंह ने कहा कि हम लोगों ने 20 लाख रोजगार जो है वो पैदा कर दिए हैं और ये आने वाले समय में नौकरियां जो है वो युवाओं को मिलेगी। आप सुनिए किस तरीके से सांसद ललन सिंह तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे हैं। कुछ नेता थे, वीर नेता थे, जो दिल्ली से पटना आते थे, घूम घाम के आते थे, कोरोना पर सरकार की आलोचना करते थे। आपको हम बता दें कि बिहार में कोरोना का जांच आज भी देश के औसत जांच से ज्यादा है, मृत्यु दर हमारा सबसे कम है, जो रिकवरी रेट है, जो मरीजों के ठीक होने का दर है, वह भी हमारा है। और यही कारण है कि बिहार में कोरोना के बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने फैसला किया और महामहिम राष्ट्रपति ने बिहार को रिवार्ड देने रोजगार दे रहे थे। रोजगार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरकार गठन के बाद पहली बैठक में 20 लाख रोजगार सृजन के प्रस्ताव को सहमति दिया है और उस पर कार्रवाई चल रही है। आने वाले समय में 20 लाख रोजगार सृजित होंगे और 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो सुना आपने, साफ तौर पर सांसद ललन सिंह का कहना है कि वीर नेता तेजस्वी यादव जो हैं वो दिल्ली से बिहार आकर के बिहार को कोसते थे, मगर देश के प्रधानमंत्री ने बिहार को सम्मानित किया है, हमें सबसे अच्छा काम करने के लिए सम्मान दिया गया है कोरोना में, जिस तरीके से बिहार सरकार ने काम किया है। और साथ में रोजगार की बात करने वाले तेजस्वी यादव, 10 लाख नौकरियां दे रहे थे तो हमने 20 लाख रोजगार पैदा कर लिए हैं और जल्द ही इन तमाम चीज़ों पर काम जो है वो चालू हो जाएगा। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके।